तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं, आज था स्मैकडाउन का एपिसोड जहां पर गाइस हमें फेटल फोर वे मैच देखने को मिला। उसके अलावा गाइस रोमन रेंस ने शो पर क्या किया और एलिस्टर ब्लैक का हमें फाइनली रिटर्न देखने को मिल चुका है। तो गाइस इन सभी बातों के बारे में करेंगे इस वीडियो में हम डिटेल में बात। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो गाइस शो की शुरुआत हमें काफ़ी अलग तरीके से देखने को मिलती है, जहां पर सभी चैंपियंस एंट्रेंस एरिया के पास थे और रिंग में हमें देखने को मिलती है सोनिया डेविल और यहां पर वो WWE की बड़े अनाउंसमेंट के बारे में बात करती है कि कैसे WWE बोल जल टूर करना स्टार्ट करने वाली है और हमें लाइव क्राउड भी एक बार फिर से WWE के शोज़ में देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करती हैं सभी चैंपियंस को, लेकिन यहाँ पर रोमन रेंस नहीं थे, जिसके बाद वो इंट्रोड्यूस करती है हेड ऑफ डी टेबल रोमन रेंस को। लेकिन गाइस रोमन रेंस के ऑल थिंग सॉन्ग पर हमें देखने को मिलते हैं पॉल हेमन। अब पता नहीं WWE ने ऑल थिंग सॉन्ग का यूज़ क्यों किया, लेकिन गाइस यहाँ पर पॉल हेमन की बात करें तो यहाँ पर आकर कहते हैं कि ये सब टाइटल होल्डर नहीं है और ये जो तुम परेड निकाल रही हो ना, ये टाइटल होल्डर के लिए है, लेकिन जो रोमन रेंस है ना वो असली चैंपियंस ऑफ द चैंपियन है, इसलिए वो बाद में खुद आएगा, वो अपनी स्पॉटलाइट किसी के साथ शेयर नहीं करता। जिसके बाद रोमन रेंस की तारीफ करने के बाद पॉल हेमन यहाँ से चले जाते हैं। एंड देन हमें देखने को मिलता है कि बैरिकेड के पीछे से यहाँ पर बेली आ जाती हैं, जो कि यहाँ पर कहती है कि भाई तुमने मेरा नाम तो नहीं लिया, मैं 380 दिन तक स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रही हूँ, मैं डबल चैंपियन थी, मैंने WWE को कैरी किया है और तुम सब बकवास चैंपियंस की बात करती हो। और अपोलो क्रूज को छोड़कर वो सभी की बेइज्जती मारती हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो बियांका ब्लेयर को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज करती हैं कि रिंग में आओ, मेरे सामने टाइटल डिफेंड करो। जिसके बाद जब बियांका रिंग के अंदर आती हैं, बेली यहाँ पर ड्रामेबाजी करना शुरू करती हैं, लेकिन गाइस तभी पीछे से उनके न्यू साथी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि थे गाइस यहाँ पर नया जैक्सन शीना बेजलर। वो अटैक कर देते हैं यहाँ पर बियांका ब्लेयर पर, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है उन्हें बचाने के लिए वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस नटालिया एंड तमीना आती हैं। और गाइस उसके बाद WWE यहाँ पर बुक करती है 6-6 वुमेन्स टैग टीम मैच, जो कि गाइस डेफिनेटली एक डिसेंट सा मैच था। और गाइस अगर हम बात करें सीधा इस मैच की एंडिंग की, तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर शीना बेजलर किरा फुडा क्लच में लगा देती हैं नटालिया को, उसके बाद नटालिया कर जाती है टैप आउट और गाइस यहाँ पर इस तरीके से हील टीम की जीत हासिल हो जाती है। उसके बाद गाइस हमें किंग कॉर्बिन एंड शिंसुके नाकामुरा के बीच मैच देखने को मिलता है, लेकिन गाइस यहाँ पर जब शिंसुके नाकामुरा के इंटरेस्ट होती है, तब हमें उनके न्यू पता नहीं मैनेजर टाइप आप कह सकते हैं रिक बुक्स नाम के एक सुपरस्टार देखने को मिलते हैं, जो कि गिटार लेकर थीम सॉन्ग प्ले करते हैं शिंसुके नाकामुरा का। और गाइस काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से उनकी एंट्री होती है और हमें देखने को मिलता है इन दोनों सुपरस्टार के बीच मैच, जहाँ पर गाइस डेफिनेटली काफ़ी अच्छा मैच था और यहाँ पर किंग कॉर्बिन के साथ नाकामुरा ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इन दी एंड शिंसुके नाकामुरा रोल अप कर जीत हासिल कर लेते हैं, लास्ट वीक की हार का भी बदला उन्होंने ले लिया। और गाइस यहां पर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि शिंसुके नाकामुरा को भी WWE फाइनली काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रही है। उसके बाद गाइस हमें एलिस्टर ब्लैक की तरफ से एक बार फिर से काफ़ी क्रिप्टेड प्रोमो देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें उनकी एक ईवल साइड भी देखने को मिली। और गाइस यहाँ पर एलिस्टर ब्लैक का रोल खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि मेन इवेंट में भी उन्होंने बड़ा कारनामा कर दिया। लेकिन गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, जहाँ पर गाइस हमें रोमन रेंस पॉल हेमन और जे उसो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर रोमन रेंस ट्रैक सूट के अंदर आए थे, जहाँ पर वो काफ़ी कूल भी लग रहे थे। और गाइस बात करें उनके प्रोमो की, तो यहाँ पर रोमन रेंस कहते हैं कि आज मैं सेलिब्रेशन करने वाला हूँ और यहाँ पर मुझे सेलिब्रेट करेंगे उनके स्पेशल काउंसिल यानी कि गाइस पॉल हेमन। और पॉल हेमन के पास माइक जाता है और यहाँ पर पॉल हेमन उन सभी अपोनेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन, फीड, केविन ओवेंस, जे उसो सभी की बात करते हैं जिन्हें रोमन रेंस ने हरा रखा है। जिसके वो कहते हैं कि रेसलमेनिया में मोस्ट डोमिनेटिंग पिनफॉल किया रोमन रेंस ने, जब उसने एजेंट डैनियल ब्रायन को एक साथ पिन कर दिया और अब हमें कभी भी एजेंट डैनियल ब्रायन WWE में देखने को नहीं मिलने वाले। उसके बाद वो बात करते हैं सिजारो के बारे में कि कैसे सिजारो को भी रोमन रेंस ने काफ़ी डोमिनेटिंग वे में हरा दिया। जिसके बाद रोमन रेंस पॉल हेमन से कहते हैं कि यहाँ पर मेरे भाई जिमी उसो को बुलाया जाए और यहाँ पर जिमी उसो को बुलाने की तैयारी होती है। लेकिन गाइस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं सिजारो, जिनसे रोमन रेंस पूछते हैं भाई तू मेरा कज़न नहीं है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। सिजारो कहते हैं कि मुझे भी शौक नहीं यहाँ पर आने का, मैंने इरीटेटिंग सी स्पीच सुनी तेरे स्पेशल काउंसिल से, इसलिए मैं बाहर आया और यहाँ पर मैं सेथ रॉलिंस को ढूंढ रहा हूँ। जिसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर सेथ रॉलिंस आकर अटैक कर देते हैं सिजारो और पूरी तरीके से उनकी चटनी बना दी। और एक बार तो यहाँ पर रेफरीज भी आ गए, लेकिन सेथ रॉलिंस फिर से आकर अटैक करते हैं और ऐसा हमें 3 बार देखने को मिलता है। और सेथ रॉलिंस लगातार यहाँ पर अटैक कर सिजारो की बुरी हालत कर देते हैं। और गाइस जैसा कि सोचा था, ऐसे लग रहा है कि आने वाले टाइम में हेल इन ए सेल में मोस्ट प्रोबेबली हमें दोनों सुपरस्टार के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है। उसके बाद गाइस हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं जिमी उसो, जो कि पहले सोनिया डेविल के पास गए थे, जहां पर उन्होंने एक टैग टीम मैच को कंफर्म करवा लिया। जिसके बाद वो जे उसो से पूछने जाते हैं कि भाई हमारा नेक्स्ट वीक एक टैग टीम मैच होने वाला है, तो तू उसके लिए रेडी रहना। जिसके बाद यहां पर जे उसो कहते हैं कि भाई मुझे पहले रोमन रेंस से कन्फर्म करना पड़ेगा।
क्योंकि मैं रोमन रेंस का राइट हैंड मैन हूँ। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जेउस और रोमन रेंस के पास जाते हैं और यहाँ पर रोमन रेंस कहते हैं कि भाई हमारी फैमिली है और हमें फैमिली के लिए लड़ना चाहिए। जिसके बाद गाइस यहाँ पर कंफर्म भी कर दिया जाता है कि नेक्स्ट वीक हमें उसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच एक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस बात करें अगले मैच की, जो कि हमें डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रॉबर्ट रूड के बीच देखने को मिला। और गाइज ओवरऑल पूरे इस मैच की बात करें तो आप कह सकते हैं एक डिसेंट सा मैच था, जहां पर गाइज एंडिंग में हमें देखने को मिला स्प्लैश लगाकर इस मैच को जीत लेते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। उसके बाद गाइज बारी आती है मेन इवेंट की, जहां पर हमें बिग ई वर्सेस अपोलो क्रूज वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फेटल फोर वे मैच। गाइस डेफिनेटली काफ़ी गजब का मैच था और मेन इवेंट को देखकर गाइस काफ़ी ज़्यादा मजा आ गया। यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त मूव थे, एक के बाद एक एक्शन, और कभी भी आप बोर नहीं होने वाले। और गाइस अगर हम बात करें मैच के रिजल्ट की, तो यहाँ पर लग रहा था कि बिग ई इस मैच को जीत ही जाएंगे, लेकिन गाइस तभी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पूरा स्क्रीन के सामने धुआं धुआं हो जाता है और यहाँ पर रिटर्न होता है एलिस्टर ब्लैक का, जो कि आकर अटैक कर देते हैं और ब्लैक मास्क लगाते हैं बिग ई पर और इसका फ़ायदा उठाकर गाइस अपोलो क्रूज पिन करते हैं और इस मैच में वो अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लेते हैं। और कुछ इस तरीके से स्मैकडाउन का एपिसोड ऑफेयर चला जाता है। तो गाइस ओवरऑल पूरे शो की बात करें तो गाइस डेफिनेटली आज का शो एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। और अगर हम मेन इवेंट की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें एलिस्टर ब्लैक और बिग ई के बीच आगे चलकर फ्यूड देखने को मिल सकती है। तो गाइस ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू स्मैकडाउन के एपिसोड का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक किया मैंने तो कहीं मत जाना, और गाइस साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।